नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के और दोस्तों वीडियो का टाइटल देख के पता लगा ही लिया होगा कि आज जी वीडियो में आपको किस बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डे सेल का बिड कर रहे थे एक अच्छा स्मार्टफोन परचेज करने के लिए। दोस्तों जैसे ही मैंने ये कल ऑफ़र देखा तो मैं भी शौक रह गया, क्योंकि इतना अच्छा ऑफ़र इससे पहले दोस्तों मैंने कभी नहीं देखा फ्लिपकार्ट की किसी भी सेल में। दोस्तों मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जब आप फ्लिपकार्ट की सेल को आप ऐसे इस तरीके से देखोगे तो सैमसंग का जो स्मार्टफोन है, सैमसंग का S21 FE स्नैपड्रैगन वाला, दोस्तों जो ट्रिपल एट स्नैपड्रैगन का ट्रिपल एट वाला प्रोसेसर दिया गया है, आप देख सकते हो 29,999 रुपये का ये आपको इस सेल में देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर आपको ये स्मार्टफोन सिर्फ 30,000 रुपये में देखने को मिलेगा। दोस्तों 30,000 रुपये में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जो S21 FE आ रहा था वो था एक्जिनोज वाला, बट दोस्तों जो है स्नैपड्रैगन वाला जो कि हाल ही में इंडिया के अंदर 50,000 रुपये के अंडर लॉन्च हुआ था। दोस्तों जब ये इसकी प्राइस दोस्तों डेड डेस करके आ रही थी तो मुझे लगा था कि इसकी प्राइस दो सेल के अंदर 35 से 40,000 के बीच होने वाली है, बट फ्लिपकार्ट ने इतना अच्छा ऑफर दे के सभी लोगों को शॉक कर दिया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही काफ़ी लोगों ने ये फ़ोन ख़रीदा है 45 से 50,000 रुपये की प्राइस के अंदर। तो उन लोगों को दोस्तों काफ़ी दुख होगा कि उन्होंने ये फ़ोन काफ़ी महंगा ख़रीद लिया, अभी ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और दोस्तों प्लस इसमें एक डिस्काउंट और है कि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें दिखाया जा रहा है 29,999 और उसके आगे दोस्तों कोई भी स्टार मार्क नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये फ्लैट 30,000 रुपये का देखने को मिलेगा हर किसी के लिए, चाहे उसके पास बैंक डिस्काउंट हो या ना हो। और जिन लोगों के पास बैंक डिस्काउंट का ऑफ़र मिलेगा, यानी कि इस सेल में जो भी कार्ड इसमें दिखाए गए हैं वो कार्ड अगर कोई लगाता है तो वो डिस्काउंट दोस्तों अलग से मिल जाएगा, तो ये फ़ोन 30,000 से भी कम की प्राइस में आपको मिल सकता है। तो इतनी कम प्राइस में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन देखने की सोच रहे हो जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी हो, कॉम्पैक्ट साइज हो और सैमसंग की ब्रांडिंग हो, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को बिना टेंशन के बिना जाकर कह सकते हो। बस इसमें थोड़ी सी एक कमी है, वो है दोस्तों बैटरी को लेके, कि इसका बैटरी बैकअप दोस्तों इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी बुरा भी नहीं है, बट दोस्तों जो है आपका नॉर्मल डे यूज में एक दिन आसानी से निकल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। वैसे भी दोस्तों जो हैवी फ़ोन जो ज़्यादा महंगे फ़ोन आते हैं उनमें बैटरी बैकअप हमें इतना अच्छा देखने को मिलता भी नहीं है, बट इसका तुच्छ कुछ दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही कम है और फ़ोनों के मुकाबले। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस बन जाता है दोस्तों 30,000 के अंदर। तो अगर आप कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो आप इसका वेट कर सकते हो। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो आईफोन की तरह नहीं बढ़ने वाली ऐसा उम्मीद की जा रही है, बट फिर भी दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो फटाफट से आप इस फ़ोन के मेनू में आके तैयार रहना जब इस सेल स्टार्ट होती है तो। और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है तो आपको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो आप पहले भी इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल ने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप दोस्तों इसके अलावा किस फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।